subscribe to Mann Ki Sadhana and hit the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं साधना मन की साधना चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ऊन का हेयर बैंड बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने पिंक कलर की ऊन ली है और ये 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें नॉट लगाएंगे। तेरह चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक ही 13। फ्रेंड्स 13 चैन के बाद तीन चैन और एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1, 2, 3। अब ये तीन चेन छोड़ के 1, 2 और ये 3 चौथी वाली चेन में इसको हम डालेंगे, 1, 2, 3 और 1 ये 4। और इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और तीन चेन छोड़ के ही फिर चौथी चेन में डालेंगे, 1, 2, 3 और 1 ये 4 ज्वाइंट कर देंगे। फिर तीन चेन लेंगे, 1, 2, 3 फिर तीन चेन छोड़ के चौथे में डालेंगे, 1, 2, 3 और ये चौथी चेन क्रोशिया हुक को डालकर ज्वाइंट कर देंगे। फिर तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3 और ये लास्ट वाली चेन में इसको डाल दें, जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 इसको टर्न करेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। फिर तीन चेन, 1, 2, 3 और सेकेंड वाली जाली में डाल के इसको जोड़ दें। फिर तीन चेन, 1, 2, 3 थर्ड वाली जाली में इसको डाल के सिंगल क्रोशिया से जोड़ दें। फिर तीन चेन, 1, 2, 3 चौथी वाली जाली में इसको डाल के जोड़ दें। फ्रेंड्स फिर तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और वर्क को टर्न करेंगे और ये पहली वाली जाली में ये इसमें डाल के इसको जॉइंट कर देंगे, 1, 2, 3 सेकेंड वाली जाली में डाल के इसको जॉइंट कर देंगे, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, 1, 2, 3 तीन चेन बनाएंगे और थर्ड वाली जाली में इसको जॉइंट कर देंगे। फिर तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और लास्ट वाली जाली में इसको जॉइंट कर देंगे। फिर तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 फर्स्ट वाली वर्क को टर्न करेंगे और फर्स्ट वाली जाली में डाल के फिर इसको जॉइंट कर देंगे। फिर थ्री चेन, 1, 2, 3 और सेकेंड वाली जाली में डाल के इसको जॉइंट कर देंगे। फिर थ्री चेन, 1, 2, 3 थर्ड वाली जाली में डाल के इसको जॉइंट कर देंगे। फिर थ्री चेन, 1, 2, 3 लास्ट वाली जाली डालकर इसको जॉइंट कर देंगे। फिर थ्री चेन, 1, 2, 3 फर्स्ट वाली जाली में डालकर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर 1, 2, 3 सेकेंड वाली जाली में डालकर जॉइंट कर देंगे, 1, 2, 3 थर्ड वाली जाली में क्रोशिया हुक को डालकर जॉइंट कर देंगे। फिर 1, 2, 3 फोर्थ वाली जाली में डालकर
ज्वाइन कर देना, वर्क को टर्न करेंगे, थ्री जार चेन बनाएंगे, 1 2 3, फर्स्ट वाली जाली में इसको जॉइंट कर देंगे, फिर 1 2 3, सेकंड वाली जाली में इसको जॉइंट कर देंगे, फिर 1 2 3, थर्ड वाली जाली में इसको जॉइंट कर देंगे, 1 2 3 चेन बना के फोर्थ वाली जाली में इसको जॉइंट कर देंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, वर्क को टर्न करेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे, फिर 1 2 3, सिंगल क्रोशिया से सेकंड वाली जाली में इसको जॉइंट कर देंगे, 1 2 3, थर्ड वाली जाली में इसको डालकर जॉइंट कर देंगे, 1 2 3, फोर्थ वाली जाली जब मैं डालकर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, वर्क को टर्न करेंगे, फर्स्ट वाली जाली में इसमें इसको जॉइंट कर देंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3, सेकंड वाली जाली में क्रोशिया को डालकर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, फिर 1 2 3, थर्ड वाली जाली में क्रोशिया को डालकर जॉइंट कर देंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाकर फोर्थ वाली जाली में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जाली बनती जाएंगी, इसी तरह से हमारा हेयर बैंड आगे बढ़ता जाएगा। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये कितना बड़ा करना है। और फ्रेंड्स, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना लंबा बैंड कर लिया है, मेरे बच्चे के हिसाब से इतना काफ़ी है। और आपको मैं एक आइडिया देती हूँ कि आप अपने बच्चे का ना सिर या तो इंची टेप से नाप लीजिएगा, या इसको जॉइंट करके, या थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा कि ये उसके सही आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक दो लाइन और बना लीजिए उसके सिर के हिसाब से। और अब मैं इसको जॉइंट करना आपको बताती हूँ कि ये कैसे जॉइंट किया जाएगा। ये देखिए, इसको इस लूप को इस साइड से लेंगे और एक साथ दोनों को जॉइंट करते जाएंगे, ये ऐसे स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करना है। ये देखिए, इस तरीके से एक एक जाली में इसको क्रोशिया को निकालते जाइए और स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करते जाइए। ये देखिए, ये जॉइंट हो गया। अब इसको हम एक चेन और लेके कट कर देंगे। ये देखिए, ये बैंड बिल्कुल तैयार है। अब इस पे ये स्ट्रेचेबल भी है, अगर आप थोड़ा बहुत इसको छोटा भी छोड़ देंगे तो बच्चे के सही आएगा ये। अब ये देखिए, मैंने एक फ्लावर बना के रखा हुआ है। अगर आप चाहेंगी फ्लावर सीखना तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको ये फ्लावर बताऊंगी। और मैं अब इस पे इसको लगा के आपको दिखाती हूँ कि बैंड कैसा लगता है। एक हम निडल लेंगे, उसमें थोड़ी सी ऊन कट करके निडल में डालेंगे।
ये देखिए, अब इसको हम साइड से लगाएंगे, थोड़ा सा इसको छोड़ के साइड से लगाएंगे। ये देखिए, इसको उल्टा करके ऐसे लेंगे कि फ्लावर में भी इसका ऊन आ जाए। नेडल को निकाल के अब इसमें गांठ लगा देंगे। दोनों छोर को पकड़ के इसमें गांठ लगा देंगे, जिससे कि ये मजबूत हो जाएगा। बाकी उनको कट कर देंगे। ये देखिएगा, हमारा हेयर बैंड बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको अपनी बेबी के लगाइएगा, घर पे बनाइएगा, बेबी के लगाइएगा और देखिएगा कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। राधे राधे।